आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो हर रविवार की तरह आपके लिए हम वीडियो लेके आ गए हैं। तो जैसे कि हर रविवार को हम आपके लिए नर्सरी की वीडियो लाते हैं, तो हर रविवार की तरह आज भी रविवार है और आपके लिए वीडियो नर्सरी की ले आए हैं, न्यू वीडियो। तो आप देख सकते हैं, ये है लेंटाना, इंडियन लेंटाना इस प्लांट का नाम है। और ये आपको रोड साइड पे भी मिल जाता है और नर्सरी पे इसके छोटे छोटे प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्लांट की खासियत ये है, अगर इस प्लांट को लगा लेते हैं तो आपके घर तितलियां बहुत आती हैं, बटरफ्लाई आपके घर पे खूब आएंगी, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही तेज़ खुशबू होती है। तो अगर आप इसके 2-3 प्लांट लगा लेते हैं अपने घर पर, जो कि 30 रुपये प्लांट आपको किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा। और अगर आप इस प्लांट को फ्री में लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग आप ले आइए कहीं से, और इसको अभी बरसात का समय है, इसको लगा दीजिए, तो ये प्लांट तैयार हो जाएगा और आपके घर पे ऐसी तितलियां बहुत आएंगी। आप देख सकते हैं कैसे इस पर तितलियाँ आ रही हैं, और इसकी एक येल्लो वेराइटी भी है, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, हम आपके लाइक का इंतज़ार करते हैं और आपके कमेंट का। तो ये देख सकते हैं, ये है जैस्मिन, देख सकते हैं इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। तो इसकी भी एक खुशबू है, अगर आप इसको लगाते हैं तो इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और रात के समय इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ रहती है। दिन में इतना पता नहीं चलती है इसकी खुशबू, पर रात के समय इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ आती है। तो आप देख सकते हैं, इसको भी आप नर्सरी पे आए और इस प्लांट को 50 रुपीज़ में आप बाय कर सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा रेट नहीं है, 50 रुपीज़ इस प्लांट का रेट है। तो आप किसी भी नर्सरी पे इसे जैस्मिन के नाम से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मोर पंख। तो ये मोर पंख की वैरायटी ही है, एक उसी की फैमिली से बिलोंग करता है ये। और ये प्लांट बहुत ही ग्रीन प्लांट है, और ये 8 इंच के गमले में आपको 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। इस पर कोई फ्लावरिंग तो नहीं होती, पर इसके जो पत्तों की ग्रीनरी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप अपने बालकनी में या फिर अपने टेरेस पे इस तरह के प्लांट भी लगा सकते हैं, ताकि हमारा छत का टेम्परेचर कम रहे। तो फिर देख सकते हैं, ये है इसकी येलो वेराइटी लेंटाना की, देख सकते हैं। तो इस पे भी देखते हैं, बहुत ही घनी फ्लावरिंग हो रही है, और तितलियां इस पर भी मंडरा रही हैं, कई तितलियां आती हैं रंग बिरंगी। आपको अगर तितलियों से प्यार है तो इस प्लांट को अभी के अभी नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। और देख सकते हैं, इस तरह के छोटे से गमले में आपको ये 30 से 40 रुपये का प्लांट मिल जाएगा, लेंटाना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट के तरफ। तो गोमफ्रीना, नेक्स्ट प्लांट है हमारा गोमफ्रीना, आपके स्क्रीन पे नाम दे देता हूँ। तो ये प्लांट की बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको तो आप ज़रूर लगाइए, अभी बरसात का समय है, इस प्लांट को ले आइए गोमफ्रीना, और इसको अभी के अभी यह लगाइए। और देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे बोल की तरह फ्लावर आते हैं। इसके भी मैंने कुछ प्लांट अपने टेरेस पे लगा रखे हैं। आप इसको छोटे से छोटे गमले में लगा सकते हैं, अगर बड़े गमले में लगाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और इस पर भी जो बटरफ्लाई है वो इसके पास आती हैं, इसके फ्लावर के पास। और ऐसे छोटे से पॉली बैग में आपको बड़ा सा प्लांट मिल जाएगा, जो कि 50 रुपीज़ प्लांट है। और इस पर जैसे छोटे छोटे बॉल होते हैं, उस तरह के इस पर आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। और इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं है, आप इसको गोबर की खाद में मिट्टी मिला के लगा दें और बस काम आपका ख़त्म। अब नेक्स्ट प्लांट है हमारा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट देख सकते हैं, कुछ इस तरह के नई वैरायटी है मनी प्लांट की, जिसके लीफ एकदम ग्रीन आपको मिलेंगे। एक मनी प्लांट आता है मार्वल, और ये है ग्रीन। तो आप देख सकते हैं, इस पर मॉस स्टिक भी लगाई गई है। मॉस स्टिक इसलिए लगाई जाती ताकि इसके पत्तों की जो फीडिंग है वो इस स्टिक से ले सके, इसी में इसको वाटरिंग की जाती है।
और फूड भी इसी स्टिक में ही दी जाती है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि मोस स्टिक कैसे बनती है, तो इस पे आई बटन पे मैं दे रहा हूँ ऊपर, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हमने मोस स्टिक के बारे में बताया है कि मोस स्टिक मनी प्लांट के किस किस काम में आती है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके रेट भी बताए हैं कि किस रेट पे आपको ये मोस स्टिक मिल जाएगी, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पे। तो आप देख सकते हैं इन मनी प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख रखा है। तो कई लोगों के मनी प्लांट जो है सूख जाते हैं, तो वो काफ़ी खाद वगैरह सब डालते हैं, फिर भी उनके जो लीव होते हैं वो सूख जाते हैं। तो किसी भी घर में अगर मनी प्लांट के पत्ते सूख जाते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। मनी प्लांट आपके घर में हमेशा हरा भरा होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह का, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहा जाता है मनी प्लांट के पत्ते सूखे नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उन सूखे पत्तों को हटा दें। और कुछ बातों का आप ध्यान रखें, मनी प्लांट कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में आप ना लगाएं। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में लगाते हैं तो मनी प्लांट के पत्ते सूख जाएंगे। इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे छाएदार हवा हो, हवा आती हो, ऊपर छाए हो, डायरेक्ट धूप ना आती हो। ऐसी जगह आप मनी प्लांट लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही तेज़ होगी। सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और इसको आप किसी भी जगह पे अगर आप इसकी बेल को बढ़ाते हैं तो ये चढ़ती हुई चली जाती है। बस उस जगह पे इसको नमी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो पत्तों के साइड में होती हैं, तो इसकी जड़ों को जहाँ जहाँ नमी मिलती है इसकी बेल उतनी ही तेज़ी से ग्रो करती है। तो आप देख सकते हैं इस लकड़ी पे इसकी बेल जा रही है, और पत्ते भी देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज के हैं। तो आप भी इसी तरह से मनी प्लांट के पत्तों को हरा भरा और बड़े साइज का कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्लांट के तरफ। तो ये देखिए, ये है बोगनवेलिया, जो कि सबसे हार्डी प्लांट है। बोगनवेलिया जो कि समर में लगाया जाने वाला सबसे खूबसूरत प्लांट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कई लोगों को पौधे लगाने का बहुत शौक़ होता है और पर पौधों की वो केयर बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। कुछ पौधे तो लोग लगाते हैं तो वो चलते ही नहीं, उनके घर में सूख जाते हैं। तो वो लोग इस प्लांट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस प्लांट को कुछ आपको ज़्यादा केयर नहीं, बस नर्सरी पे जाइए और इसकी बोगनवेलिया आप उसको नाम बताएं और अपने मनपसंद कलर ले आएँ। आप इसके फ्लावर देख सकते हैं, आप अपने मनपसंद कलर ले सकते हैं। और आप जब भी जाएं तो या तो मई जून के समय जाएं तो इसमें आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो फ्लावरिंग देख के प्लांट लेकर आएं। वाइट भी आती है इसमें, कई कलर आते हैं, येलो भी आता है। तो आपको जो पसंद कलर हो वो ले आएं, और इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं होती है। बस अगर आप अपने काम से, ऑफिस से जब आप अपने घर पर आते हैं तो शाम को इसमें वाटरिंग कर दें और बस। और हर 15 दिन में आप इसको गोबर की खाद या केचुआ खाद दे सकते हैं, और ये इसे इसके हाल पे छोड़ दो तो ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको देख के काफ़ी नॉलेज मिलती है, और हमारे चैनल पे नर्सरी की वीडियो आती रहती है, क्योंकि नर्सरी के पास ही हमारा घर है। तो यहाँ कई नर्सरी है, तो मैं अक्सर वीडियो बनाने यहाँ पर आता हूँ और आपके संग कुछ बातें शेयर करता हूं, ताकि आप भी ऐसे प्लांटों का शौक़ रखें और अपने पर्यावरण को, अपने को भी खुश रखें, ऐसे फूलों वाले प्लांट लगाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अपने फ्रेंड के पास शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रविवार को जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं नेक्स्ट संडे को आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा और नई कोई जानकारी के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और आप अपने घर में भी प्लांट पौधे लगाएं और अपने आप को भी खुश रखें, अपने पर्यावरण को भी। तो फिर आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।